ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। और अब हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय संगीता अहलावत जी, जो उत्तर प्रदेश से हैं, शिक्षिका हैं, साहित्य सृजन की सभी विधाओं में आप लिखती हैं, सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि है, और आपका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि मैं कितना भी बोलूं वो कम ही होगा, इसलिए पटल मैं आपको सौंपती हूँ, आप अपना काव्य पाठ आरम्भ करें। एक मिनट, मैं संगीता जी के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। आज पटल बहुत बड़ा हो गया है, 80-90 हजार लोग जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल है, बहुत प्रोग्राम होते हैं। जब मैंने शुरुआत में प्रोग्राम शुरू किए थे तो मेरे साथ जो 2-4 लोग थे उसमें से संगीता अहलावत जी एक थी, और मुझे याद है संगीता अहलावत जी पूरे शेड्यूल बनाती थी, लाइव आने वालों का चार्ट बनाती थी। इस पटल को खड़ा करने में जिन जिन जिन्होंने मेहनत की है उसमें संगीता जी भी है, मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ संगीता जी का। उनके बाद में व्यस्तता के कारण वो जुड़ी नहीं रही, लेकिन स्वागत करता हूँ। और संगीता जी 10-15 मिनट के लिए ही पढ़ने वाली है, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन संगीता जी स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं मंच पर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर हरीश नवल जी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी, सह निदेशक नीता जोशी जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और शारदी माँ को वंदन है। अभी सर ने मेरे बारे में कुछ बातें बताई, उनका सहयोग और उनके लिए या उनके साथ काम करना शायद मेरे लिए गौरव के पल थे, और बीच में थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं इस पटल से दूर हुई, लेकिन जब मुझे आपने बात की और मुझे लगा कि मुझे मंच पर आना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बीमार थी थोड़ा, 7 दिन से मैं थोड़ी ज्यादा परेशान सी हूँ तबीयत की वजह से, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मैंने अभी, मुझे पता था, मैंने सर को निवेदन किया कि मुझे थोड़ा सा अगर जल्दी आप करवा दें तो मैं थोड़ा सा अपना आराम कर पाऊंगी। और मैं हमेशा आभारी रहूंगी कि कहते हैं ना, हर क्षेत्र में जाने से हम कुछ सीखते हैं, तो मैंने भी जब इस उस पर आई हूं मैं लाइव, जो हमारे काव्य गोष्ठी वो शायद मैंने सर के पटल से ही शुरू की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और हमेशा उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं पटल कुछ में पाना, जी मैम, आपको पटल पर पाना मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सादर आपको अभिवादन में प्रेषित करती हूँ। डॉक्टर हरीश नवल जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं पटल पर। जी मैम, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आप अपना काव्य पाठ कीजिए। जी 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 मैम, नमस्कार। सबसे पहले मैं बेटी पर अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियों से मुझे कुछ विशेष लगाव है, जबकि अंतर नहीं होना चाहिए लेकिन है लगाव, तो मैंने अपनी रचना लिखी है बेटी पर। बिटिया रानी, हर माँ का भाव होता है अपनी बेटी के लिए, उसको मैंने यहाँ पर प्रेषित किया है। बिटिया रानी सुनो हमारी, तुमसे प्यारा और नहीं है। बिटिया रानी सुनो हमारी, तुमसे प्यारा और नहीं है, तुम ही हो मेरी तो सांसें, तुमको बेशक गौर नहीं है। तुम ही हो मेरी तो सांसें, तुमको बेशक गौर नहीं है। तुम हो फुलवारी आंगन की, तुम हो फुलवारी आंगन की, जिससे ये घर महक रहा है। सुखद सवेरा तुम हो मेरा, तुमसे ही घर चहक रहा है, तुमसे ही घर चहक रहा है। उठकर छू लो व्योम शिखर को, उठकर छू लो व्योम शिखर को, इससे प्यारा दौर नहीं है। बिटिया रानी सुनो हमारी, तुमसे प्यारा और नहीं है। तुमको आगे बढ़ना होगा,
एक माँ ही अपनी बेटी को मोटिवेट करती है, उसका उत्साह वर्धन करती है। तुमको आगे बढ़ना होगा, दृढ़ संकल्प भी करना होगा, उठो आत्मविश्वास जगाओ, पथ पर आगे कदम बढ़ाओ। जीत लोगी साहस को भी, तुम जैसा सिर मोर नहीं है। बिटिया रानी सुनो हमारी, तुम सा प्यारा और नहीं है। आस हो तुम, विश्वास हो तुम, अंतर मन की प्यास हो तुम, जीवन की सच्चाई जानो, तुम क्या हो खुद को पहचानो, तुम क्या हो खुद को पहचानो, जिसको हासिल कर न सकोगी ऐसा कोई ठोर नहीं है। बिटिया रानी सुनो हमारी, तुमसे प्यारा और नहीं। ये मेरी बिटिया पर रचना थी जी, बाकी और निकाल के रख दिया माँ का आपने रचना में एक रचना माँ पर ये बहुत थी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो थोड़ा सा तब मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस कर रही थी। उस समय मैंने एक रचना उनके लिए लिखी थी, माँ को समर्पित। जब लड़कियों को कोई भी कठिनाई आती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करती है। अब जब से माँ तू दूर हुई, अपने भी मुझसे दूर हुए। अब जब से माँ तू दूर हुई, अपने भी मुझसे दूर हुए, छा गया अंधेरा जीवन में, सपने भी चकनाचूर हुए। जो संबल तुमसे मिला मुझे, लगता है वह भी छूट गया। नाता जो अपनेपन का था, लगता है वह भी टूट गया। मैं समझ नहीं पाई अब तक, क्यों सब इतने मजबूर हुए। छा गया अंधेरा जीवन में, सपने भी चकनाचूर हुए। तुमसे ही खुशियां थी सारी, अब किससे मन की बात कहूं। चेहरे का नूर हुआ धूमिल, जाहिर कैसे जज्बात करूं। इस दुनिया के भी तो मुझ पर कई दफा वार भरपूर हुए। छा गया अंधेरा जीवन में, सपने भी चकनाचूर हुए। अब जब से माँ तू दूर हुई, अपने भी मुझसे दूर हुए। ये कमेंट्स में यहाँ पे लेती हूँ, बहुत मार्मिक रचना आपकी है मैम। नीलू मेहरा जी कह रही हैं, वह संगीता जी द मैजिक मैन एंड चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब की आधार स्तंभ हैं आप। नीता जोशी जी कह रही हैं, सुंदर रचना। डॉक्टर तारा दीक्षित जी कह रही हैं, बिटिया रानी बहुत ही अच्छी रचना है। आयशु आर्या जी भी आपकी रचना के लिए ग्रेट कह रहे हैं। और वाकई मैम हृदय स्पर्शी आपकी सभी पंक्तियाँ हैं, सभी शब्द हैं जी मैम। आप सभी का हृदय तल से आभार। आप मुझे इतने अच्छे से सुन रहे हैं और इतना स्नेह प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। एक पुस्तक मेरी मौन वेदना बोलती प्रकाशित हुई है, दोहा संग्रह। इसमें से कुछ दोहे मैं समर्पित करती हूँ आप लोगों को। स्वागत है मैम। मौन वेदना बोलती आंखों में से झांक, मौन वेदना बोलती आंखों में से झांक, तू इसके अनुभव को आंख सके तो आंख, तू इसके अनुभव को आंख सके तो आंख। मौन वेदना बोलती पर सुनता है कौन, मौन वेदना बोलती पर सुनता है कौन। मतलब मौन प्रश्न का जब यहाँ, मौन प्रश्न का जब यहाँ, उत्तर भी है मौन, उत्तर भी है मौन। धन्यवाद। मौन वेदना बोलती होकर भाव विभोर, मौन वेदना बोलती होकर भाव विभोर, मतलब से ही है यहाँ संबंधों की डोर, संबंध क्या बात है। डोर बहुत खूब।
एक और दोहा समर्पित है। मौन वेदना बोलती कौन निभाता साथ, मौन वेदना बोलती कौन निभाता साथ, विपदा भी जब पड़ती कभी सभी खींचते हाथ, सभी खींचते हाथ। और एक और मैं आपके समक्ष रखती हूँ। मौन वेदना बोलती देख सभी के रंग, मौन वेदना बोलती देख सभी के रंग, सभी अकेले हैं यहाँ गया न कोई संग, गया न कोई संग। और इसी के साथ अंतिम दोहा प्रेषित करती हूँ। मौन वेदना बोलती कठिन समय है आज, मौन वेदना बोलती कठिन समय है आज, धीरज मत खोना कभी करता चल शुचिकाज, करता चल शुचिकाज, शुचिकाज। बहुत सुंदर। और जी अब एक रचना और प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत है मैम। दो रचना प्रस्तुत करूंगी, एक देश पर और एक थोड़ा सा दोस्तों के लिए। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद मैम। देश के ऊपर है, अपने देश के ऊपर, सारे जग से न्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है। चंदन जैसी माटी बड़ी सुहानी है, चंदन जैसी माटी बड़ी सुहानी है, बलिदानों की जिसकी अमिट कहानी है, चप्पा चप्पा हमें जान से प्यारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है। जिसकी रज में जन्म लिया दुनिया देखी, जिसकी रज में जन्म लिया दुनिया देखी, कैसे उसकी हम कर सकते अनदेखी, चमन सुहाना सजा धरा पर न्यारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है। देश धर्म पर मिटना चाह हमारी है, देश धर्म पर मिटना चाह हमारी है, कंटक पथ पर चलने की तैयारी है, रक्त बहाकर हमने जिसे संवारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है। पावनतम यह देश कहाता वीरों का, पावनतम यह देश कहाता वीरों का, परम धाम है यह बाके रणधीरों का, जिस पर जीवन हमने हंस कर वारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है। मर्यादा पर, मर्यादा पर आज कभी यदि आई है, तब नारी ने भी तलवार उठाई है, मर्यादा पर आज कभी यदि आई है, तब नारी ने भी तलवार उठाई है, मर्दानी बन दुश्मन को ललकारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है। और मैं एक अंतिम रचना पेश करना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी कोशिश हजार कर मगर न बैठ हार कर, कोशिश हजार कर मगर न बैठ हार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के। ये युवाओं के लिए भी है, और जो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके लिए मैंने रचना प्रेषित की है। कोशिश हजार कर मगर न बैठ हार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के, जब करने लगे अगर नाकाम या निराश, जब करने लगे अगर कुछ नाकाम या निराश, रुकावटें भी रोकने को आने लगे पास, बढ़ते ही रहना मंजिलों को तू पुकार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के।
थकना न कभी है तुझे चलना ही पड़ेगा, थकना न कभी है तुझे चलना ही पड़ेगा, कांटों की डगर पर भी तुझे बढ़ना ही पड़ेगा, गम को बिसार गुनगुना तू गीत प्यार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के। तेरा ही कर्म तेरे यहाँ काम आएगा, तेरा ही कर्म तेरा यहाँ काम आएगा, लाया था क्या जो साथ अपने लेके जाएगा, शुभ कर्म करता चल तू सब कुछ बिसार के, शुभ कर्म करता चल तू सब कुछ बिसार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के। सुख दुख तो जुड़े हैं, सुख दुख तो जुड़े हैं सभी सांसों के साथ में, सुख दुख जो जुड़े हैं सभी सांसों के साथ में, तू है खिलौना कुछ नहीं है तेरे हाथ में, बढ़ते ही जाना लक्ष्य को अपने निहार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के। संयम न छोड़ना कभी हिम्मत न हारना, संयम न छोड़ना कभी हिम्मत न हारना, जीवन में तू सदैव हौसले सवारना, व्यवहार को सदैव ही रखना निखार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के। कोशिश हजार कर मगर ना बैठ हार के, तब देख लेना आएंगे मौसम बहार के। धन्यवाद आभा जी, आपने मुझे सभी ने इतना स्नेह दिया और मेरी निवेदन को भी आप लोगों ने माना, और मेरा थोड़ा सा हो भी गया, अब तबीयत थोड़ी सी और हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के और नरेश चंद्र सर को मैं दोबारा यही कहूंगी कि जब कभी उनका आदेश होगा वो निसंकोच मुझे कभी भी आदेश दे सकते हैं, और मैं उनके पटल के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैम आपका आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन कुछ क्षण के लिए रुकिए, कुछ कमेंट मैं आपके लिए जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। नीलू मेहरा जी कह रही हैं अपूर्व सृजन, हरीश नवल जी कह रहे हैं कोशिश में कामयाबी है, वाह संगीता जी, नीता जोशी जी मौसम बहार के आपकी पंक्ति की बहुत सराहना कर रही हैं, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई हैं पंक्तियाँ और आपकी सभी कविताओं को। चंचल वशिष्ठ जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं आपकी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, आपका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो और जल्दी जल्दी हम आपको पुनः इस पटल पर सुने। बहुत बहुत आभार मैम आपका कि आप अपने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी हमारे मध्य उपस्थित हुई, बहुत बहुत आभार।